हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक, आज के वीडियो में हम देखेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, जिस वाक्य का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि पागल कहीं का, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप इंग्लिश में बोलेंगे आर यू अटर मैड, आर यू अटर मैड, पागल कहीं का। अगर आप ये बोल रहे कि मान लो ये एक घड़ी है, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे सपोज दिस इज अ वॉच, सपोज दिस इज अ वॉच। मूर्ख कहीं का इंग्लिश में आप बोलेंगे यू आर अटर फुलिश, यू आर अटर फुलिश। किताब है, अगर आप ऐसा बोले मान लो ये है एक किताब, इंग्लिश में आप बोलेंगे सपोज दिस इज अ बुक, सपोज दिस इज अ बुक। अंधा कहीं का तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अटर ब्लाइंड, यू आर अटर ब्लाइंड। अगर आप किसी से बोल रहे हैं बात करें कि चलो मान लो यह गुलाब है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में सिंपल तरीके से आप बोलेंगे सपोज दिस इज अ रोज, सपोज दिस इज अ रोज। झूठा कहीं का इंग्लिश में आप बोलेंगे यू आर एन अटर लायर, यू आर एन अटर लायर। धोखेबाज कहीं का इंग्लिश में आप बोलेंगे यू आर एन अटर चीटर, यू आर एन अटर चीटर, धोखेबाज कहीं का। हाँ मैं सर हिलाओ तो आप बोलेंगे इंग्लिश में नॉट योर हेड, नॉट योर हेड। क्या तुम पागल हो गए हो, अगर आप ऐसा बोल रहे किसी को कि क्या तुम पागल हो गए हो, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे हैव यू गोन मैड, हैव यू गोन मैड। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम इरिटेटेड विथ यू, आई एम इरिटेटेड विथ यू, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड योर सेल्फ, यू शुड बी अशेम्ड योर सेल्फ। उससे पंगा मत लो, आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेस विद हिम, डोंट मेस विद हिम। मुझे उंगली मत दिखाओ, इंग्लिश में आप बोलेंगे डोंट शो मी फिंगर, डोंट शो मी फिंगर।